नमस्कार, मैं हूँ रश्मि। रश्मि किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं नमकीन सिवई। नमकीन सिवई लेने बनाने के लिए मैंने कुछ सामान ले लिया है। मैंने दो आलू कट किए हैं, दो प्याज कट करके ले ली है, चार पांच हरी मिर्च कट की है, दो गाजर कट की है, दो तोंडली कट किए हैं और चार शिमला मिर्च कट किए हैं, कुछ पत्ता गोभी कट कर लिए हैं। सिवई बनाने के लिए हमको अजवाइन चाहिए, तो मैंने थोड़ी अजवाइन ली है। अजवाइन से सिवई का टेस्ट बढ़ जाता है। अब हम सिवई को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मेरे पास रोस्टेड सिवई नहीं है, इसके लिए मैं रोस्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास रोस्टेड सिवई है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। सिवई रोस्ट करते समय मीडियम पे ही रखें फ्लेम को। हमारी सिवई अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब हम इनको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। मैं पूरी फैमिली के लिए सिवई बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से, जितनी बड़ी फैमिली है उस हिसाब से ही सिवई ले सकते हैं। थोड़ा तेल, अब हम कढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे। यहाँ पर मैंने लगभग दो चम्मच तेल ले लिया है। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज हमारे भून चुकी है, अब हम डालेंगे थोड़ी अजवाइन। अजवाइन से सिवई में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम आलू डालेंगे। थोड़ा सा नमक, इससे हमारे आलू जल्दी फ्राई हो जाएंगे। आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम डालेंगे शिमला मिर्च। सारी सब्जियां डाल देंगे जो भी हमने कट करके रखी है। पत्ता गोभी,
और मिर्च मैंने लंबी मिर्च काटी, आपकी मर्जी के हिसाब से आप मिर्च काट सकते हैं। मिनट तक सब्जियों को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए सब्जी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, अब इनमें पानी डाल देंगे। अभी पानी को बॉईल होने देंगे, जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तभी हम सिवई डालेंगे। ये देखिए सब्जियां हमारी बॉईल हो चुकी हैं, अब हम इसमें सिवई डाल देंगे। फ्लेम हाई कर देंगे। सेवई के ऊपर तक पानी आना चाहिए तभी हमारी सेवई एकदम अच्छे से बन जाएगी। जब तक सेवई बनती है थोड़ा ढक दीजिए, बनती है थोड़ा ढक दीजिए। ये देखिए अब हमारी सेवई तैयार हो चुकी है। एकदम खिली खिली सेवई तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।